नहीं, लेकिन हमीरपुर में दो विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष दीक्षित ने खास बातचीत की। मतदान का दिन है और हम इस वक्त विद्या मंदिर के पिंक बूथ पर खड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी हमीरपुर आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां की गई है चुनाव को लेकर? हम लोगों ने चुनाव के लिए समस्त तैयारियां जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में प्राप्त हुई हैं सारी कर ली है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि मतदाताओं को पूरी सुविधा मिले, वो किसी भी श्रेणी का मतदाता हो, महिला है, बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं जो पहली बार वोटर बने हैं, दिव्यांग बंधु हैं, इन सब के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सर, जैसा कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई? हम लोगों ने हर सेंटर पर कोविड का हेल्प डेस्क बनाया है और जैसे भी कोई मतदाता प्रवेश करता है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका सैनिटाइजेशन कराया जाए, उसका थर्मल स्कैनिंग हो। इसके अलावा उसको हम अगर मास्क पहन के नहीं आए तो मास्क भी देंगे, साथ ही उसको ग्लव्स देंगे ताकि वो जब बैलेट यूनिट पे बटन दबाए तो उसके हाथ में ग्लव्स रहें, मास्क लगा के रहे और ग्लव्स रहें और उनको बाद में वो वहीं पे बाहर डाल भी दे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जनपद में शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा। सारा समय के लिए हमीरपुर से।